और बिलासपुर शहर के लोगों के सामने जल संकट की समस्या खड़ी होने लगी है। पिछली गर्मी में बिलासपुर नगर निगम ने पानी की सप्लाई के लिए 50 से ज्यादा टैंकरों का इंतजाम किया था, जिनके चलते पानी की किल्लत से जूझ रहे मोहल्लों में पानी पहुंचाया जा रहा था। लेकिन अब हालात ये हैं कि 50 टैंकर में से 24 टैंकर खराब पड़े हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के चलते नगर निगम का अमला कंडम और खराब टैंकर से कैसे लोगों की प्यास को बुझाएगा। इसमें 10 टैंकर खराब हैं, जिनकी मरम्मत की कार्रवाई वाहन शाखा द्वारा की जा चुकी है। हमने स्पष्ट निर्देश जोन कमिश्नरों को दिया है कि आपके जो भी टैंकर खराब हैं, उसे आप तत्काल मरम्मत का वो प्रस्तुत कर लें। तो शहर के कई मोहल्लों में अभी से पानी की दिक्कत होने लगी है, लेकिन अगर हम बात करें निगम के पास जो टैंकर है उनमें से 10, जिस तरह से आपने अभी बाइट सुनी कि 10 टैंकर बिल्कुल कंडम स्थिति में है, आखिर बड़ा सवाल यह है कि अभी जब माकूल इंतजाम नहीं किए गए हैं और अभी अगर दिक्कतों का सामना जल संकट से लोगों को करना पड़ रहा है, तो ये सोचिए कि गर्मियों में आखिर क्या स्थिति होगी। तो पिछली गर्मी में नगर निगम के पास 50 टैंकर थे, 50 में से 24 टैंकरों की जो कंडीशन है वो बेहद खराब बताई जाती है। तो शहर के कई मोहल्लों में पानी की किल्लत होने लगी है। तो अभी गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है और बिलासपुर शहर के लोगों के सामने जल संकट की समस्या एक बार फिर से खड़ी होने लगी है। पिछली गर्मी में शैलेंद्र पाठक ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़कर है। शैलेंद्र, 50 में से 10 टैंकर तो बिल्कुल कंडम स्थिति में है और बाकी की अगर हम बाइट सुनते भी हैं और हम तमाम चीजें देख भी रहे हैं तो वो स्थिति नहीं है, क्योंकि 50 में से 24 टैंकर तो बेहद ही खराब स्थिति में बताए जा रहे हैं। तो कैसे गर्मियों में इंतजाम किया जाएगा जब स्थिति अभी है, जब लोग अभी से त्राहीमाम कर रहे हैं? नगर निगम में पहले कोई व्यवस्था नहीं थी और अभी भी जो व्यवस्था है, चूंकि अब 70 वार्डों के बाद नगर निगम का नया परिसीमन हुआ है, तो इसमें जो व्यवस्था है वो अभी उखंड भी नहीं है। और ऐसे में जो नगर निगम के लिए इन नए इलाकों में व्यवस्था करना, जबकि पहले जो पुराने 55 वार्ड है वहाँ पानी की सप्लाई बहुत मुश्किल से हो पा रही थी, तो नए वार्ड जो जुड़े हैं, 15 वार्ड जो जुड़े हैं, उन पर सप्लाई बहुत तकलीफ वाली बात है। इसके लिए कोई बेसिक प्लान अभी निगम के पास नहीं, फिलहाल ये बनाया जा रहा है कि कहीं एक छोटी मोटी सिंटेक्स की टंकियां कहीं रख करके उसको जारी, वहाँ पानी जो है वो भरा जाएगा और वहाँ से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अभी लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस टैंकर के माध्यम से जो पानी पहुँचाना है वो टैंकर ही इनके पास नहीं है और नगर निगम इस मामले में सोता रहा कि जब गर्मी का समय आ रहा है तो जिस टैंकर की व्यवस्था सुधार काम पहले हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं है। और ये आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ नगर निगम अधिकारी अजय श्रीनिवासन जी जुड़ गए हैं। श्रीनिवासन साहब, बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी श्रीनिवासन जी, ये जो जानकारी मिल रही है आपका आपने जो उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है जी, देखिए फरवरी में ये फरवरी चालू हुई है सर। पहले आप क्वेश्चन जो वहाँ से रेज हुआ है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट सर, सब प्लीज टैंकर के बारे में। ओके सर, बट सर आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू यू, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ बताइए। श्रीनिवासन जी, अभी ये स्थिति है, पिछले साल भी यही स्थिति थी, उससे पहले भी यही कंडीशन थी, आखिर क्या वजह है कि साल दर साल गुजर रहे हैं लेकिन कंडीशन नहीं बदल रही? हाँ सुनिए जी, पिछले साल बिलासपुर की जो वाटर सप्लाई है वो केवल ट्यूबवेल पे बेस्ड है। ट्यूबवेल का लास्ट ईयर जो बिफोर लास्ट ईयर जो रेंज में थी उनका, उसके कारण बिलासपुर का जो वाटर लेवल था, जो ट्यूबवेल्स है एग्जिस्टिंग जहाँ से वाटर सप्लाई बिलासपुर से होती है, वो टोटल हमारे करीबन 69 ट्यूबवेल्स ड्राई हो गए साल में। तो वो स्थिति निर्मित हुई थी इस साल ड्रेन, इसी कारण आपने वो माध्यम से पढ़ा ही होगा, अमृत किसान प्रोजेक्ट इस कारण लाया गया सबसे पटल का। ये बिलासपुर टाउन एक अकेला स्टेट में ऐसा है जहाँ पे ट्यूबवेल सप्लाई जो बेस्ड है वाटर सप्लाई, अदरवाइज दूसरे जो सिटीज है वहाँ पे
थ्रू रिवर डैम यहाँ से वाटर सप्लाई चल रही है सरफेस वाटर का। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, देखिए ये तो टाइम लगेगा लेकिन हाँ। इस साल तो रेन फ्री है हाँ। उसमें वाटर केबल अच्छे हैं, कुछ नए बोरवेल भी हमने किए हैं इस फरवरी में, और जो एक्टिव एरिया था उसके लिए भी नए बोरवेल का सेंक्शन वर्क ऑर्डर सब जारी हो गया है जो फरवरी तक हो जाएंगे। ओके श्रीवासन जी, आर यू श्योर अबाउट दैट कि मतलब इस जो गर्मियों के सीजन में जो बिलासपुर की जो जनता है उसको पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो परिसीमन के बाद भी वार्डों की संख्या भी बढ़ गई है सर। मैडम जो जोन नए हुए हैं नए प्रतिबंध के उनको भी इंस्ट्रक्शन जारी हो चुके हैं, वहाँ पे भी बोरवेल वगैरह जो भी उनको रिक्वायर्ड है उनका सैंक्शन उनका वर्क ऑर्डर सब दे दिया गया है उनको। ठीक है, वो जगह लोकेट कर लें जो एक्टिव एरिया है उनका, उस एरिया पे ड्रिल करने के लिए। सर अभी तक अगर आप सोचिए श्रीवासन जी, आप कह रहे हैं लास्ट फैब तक ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक जगह लोकेट नहीं हुआ है। जब जगह लोकेट नहीं हुआ है तो कैसे फैसिलिटीज पहुंचेगी, और हाउ कैन दैट पॉसिबल कि फैब के लास्ट तक सब कुछ मुकम्मल तौर पे हो जाएगा? उसके बाद फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। हाँ जी, ट्यूबवेल कनेक्ट ड्रिल नहीं होता। ओके, जो लोकेट है लोकेट से करने का मतलब ये है कि जिस एरिया में एक्टिविटी सर्वे वो करा रहे हैं जहाँ मैक्सिमम ग्राउंड वाटर रहता है वहाँ हम कराएंगे। ओके, तो वो फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा उनका, और वो बोर चालू कराएंगे। उनको बोर कराने में पांच जो भी बोर होने हैं हार्डली 8-48 का वक्त बचते हैं, वो अपना कराएंगे, और उसमें पंप वगैरह की भी हमने टेंडर किया तो उसमें भी। ठीक है श्रीवासन जी, क्योंकि आप स्वराज एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं, आप क्योंकि क्षेत्र की जनता को की समस्याओं को समझते हुए आपने तमाम चीजों के बारे में बताया, हम फिर भी आपसे फैब में कॉन्टैक्ट करेंगे और आपसे फॉलो अप भी लेंगे कि जो आश्वासन आपने स्वराज एक्सप्रेस पर दिया था आखिर फैब के लास्ट में क्या हुआ, और अगर पूरे बिलासपुर को अगर पानी की समस्या इस गर्मियों में एक बार फिर से होती है तो जिम्मेदारी फिर आपकी बनती है। बहुत शुक्रिया श्रीवासन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र पाठक जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, बहुत संक्षेप में बात पूरी कीजिए। ये नगर निगम का काम जो है, चूंकि अमृत मिशन के भरोसे अभी चल रहा है, और जैसा कि बता रहे थे कि बोरवेल का वाटर लेवल नीचे चला गया है, तो ये तमाम चीजें दिक्कतें हैं, लेकिन ये है कि जिस तरीके जो टैंकर से जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए वो इनके पास नहीं थी, और अभी जब अब मतलब कहना चाहिए जब घर में आग लग गई तो कुआं खोदने वाली स्थिति है, और टैंकर अभी सुधारने की बात हो रही है, और वो भी वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, काम नहीं, टैंकर सुधारने का काम नहीं। क्योंकि फैब के लास्ट तक का इन्होंने श्रीवासन जी ने बोला है, फैब के लास्ट वीक तक हम भी इंतजार करते हैं, उसके बाद तो हम भी इनसे पूछेंगे कि भाई जो आश्वासन आपने स्वराज एक्सप्रेस पर दिए थे आखिर उन पे आप खरे क्यों नहीं उतरे, उतरते हैं तो बेहतर है, सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, नहीं उतरते हैं तो फिर से एक बार सवाल पूछना उनसे लाजमी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदौर शहर की बिगड़ी